हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड। टुडे आवर टॉपिक इज टैबुलेशन, शारणियन। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा शारणियन। ओके स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, अनुसंधान द्वारा संकलित तथ्य अत्यधिक अव्यवस्थित होने के साथ ही इतने जटिल प्रकार के हो सकते हैं कि विषय से संबंधित सभी पक्षों को समझने के लिए उन्हें व्यवस्थित, बहुत कम में स्पष्ट और सरल बनाना आवश्यक होता है। यह कार्य शारणियन के द्वारा ही संभव है। अत्यधिक सरल और सामान्य शब्दों में शारणियन का तात्पर्य प्राप्त सूचनाओं को अनेक स्तंभों, कॉलम्स तथा पंक्तियों रोज में व्यवस्थित करके उन्हें क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार शारणियन का अभिप्राय एक ऐसी क्रिया से है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत तथ्यों को सरल, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है शारणियन का अर्थ तथा उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन। अकॉर्डिंग टू कॉनर, LR कॉनर के अनुसार, टैबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन ए फॉर्म डिजाइन टू एक्लूसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसल्टेशन। इट्स मीन दैट शारणियन किसी विचारधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि है। शारणियन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एल हाइंस के शब्दों में कहा जा सकता है, विस्तृत अर्थ में शारणियन तथ्यों को कुछ स्तंभों और पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। यह एक और तथ्यों के संकलन और दूसरी और तथ्यों के अंतिम विश्लेषण के बीच एक प्रक्रिया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जब संकलित तथ्यों को कुछ श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे हम शारणियन की प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण तथा शोध के अंतर्गत शारणियन की आवश्यकता को इसके उद्देश्यों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू DNL Hans के अनुसार, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस टैबुलेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। इट इज ए प्रोसेस बिटवीन द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द वन हैंड and its final analysis is on the other by DNL Hans। DNL Hans के अनुसार
सारणीयन का मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक आधार पर विभिन्न तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना है। सारणी के अंतर्गत जब विभिन्न तथ्य अनेक खानों पंक्तियों से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके आधार पर विभिन्न तथ्यों की तुलनात्मक विशेषताओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नेक्स्ट है सारणीयन के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ टेबल्स। ओके, निर्माण कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से एक सारणी अनेक भागों में विभाजित होती है। यह सभी भाग जितने अधिक स्पष्ट होते हैं सारणी उतनी ही सरल और व्यवस्थित बन जाती है। सारणी से संबंधित इन सभी भागों को इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर वन है टेबल नंबर, सारणी संख्या। किसी अध्ययन से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए अनेक सारणियों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक सारणी के लिए सर्वप्रथम अलग अलग संख्याएं निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है सारणी शीर्षक, टाइटल ऑफ द टेबल। सारणी संख्या अंकित करने के पश्चात सारणी में प्रदर्शित विशेषताओं के लिए उपयुक्त शीर्षक देना आवश्यक होता है। यह शीर्षक अधिक से अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और सारणी के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक, कैप्टन्स ऑफ कॉलम एंड रोज। ओके, सारणी अनेक खड़े हुए और पड़े हुए खानों में विभाजित होती है। खड़े हुए अथवा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खानों का स्तंभ तथा पड़े हुए अथवा क्षैतिज खानों हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को कतार कहा जाता है। इन सभी खानों कतारों में जिन तथ्यों को प्रदर्शित किया गया हो उनके लिए कुछ अनुशीर्षक देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है रेखाएं तथा रिक्त स्थान, लाइन्स एंड ब्लैंक स्पेस। सारणी की प्राय आकृति को आकर्षक बनाना भी आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि खड़ी और पड़ी रेखाएं उपयुक्त रूप से खींचने के साथ ही विभिन्न खानों में इस प्रकार रिक्त स्थान छोड़ा जाए कि जो उपयोगी होने के साथ ही आकर्षक भी प्रतीत हो। नेक्स्ट है पदों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ आइटम। सारणी का ढांचा बना लेने के बाद विभिन्न खाने और पंक्तियों में आंकड़ों को लिखना प्रारंभ किया जाता है। आंकड़ों से संबंधित इन सभी पदों को वर्णनात्मक, भौगोलिक, सामयिक तथा आकार के आधार पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टिप्पणी, फुट नोट्स। सारणी में दी गई कोई विशेष संख्या अथवा अनुशीर्षक ऐसी प्रकृति का हो सकता है जिसके लिए पृथक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। नेक्स्ट स्ट्रोक, सोर्सेस। सारणी के अंतर्गत केवल प्रत्येक स्रोतों के द्वारा संकलित आंकड़ों का ही समावेश नहीं होता बल्कि कभी कभी इसमें द्वितीयक स्रोतों पर आधारित सूचनाओं का भी समावेश होता है। नेक्स्ट है सारणीयन की विधियां, मेथड्स ऑफ टैबुलेशन। ओके, सामाजिक शोध के लिए विभिन्न प्रविधियों से संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए प्रायः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, हस्त सारणीयन तथा यांत्रिक सारणीयन। यद्यपि इन दोनों विधियों का उपयोग अध्ययन के आकार साधनों की दृष्टि में रखते हुए किया जाता है लेकिन इनमें से किसी एक विधि का चुनाव मुख्य रूप से अध्ययनकर्ता की इच्छा पर ही निर्भर होता है। इन दोनों विधियों की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है हस्त सारणीयन, हैंड टैबुलेशन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत सारणीयन कार्य स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा हाथ से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम एक स्कोर अथवा टैलीशीट, स्कोर और टैलीशीट का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले विभिन्न वर्गों की समस्याओं को छांटकर अनेक समूह या वर्गों के रूप में अलग अलग कागजों पर लिख लिया जाता है जिससे एक दूसरे से भिन्न प्रकृति वाले तथ्यों को स्पष्ट रूप दिया जा सके। वास्तव में टैलीशीट एक खाली सारणी के रूप में होती है जिसमें विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों को समुचित रूप से अंकित कर दिया गया हो।
नेक्स्ट है यांत्रिक सारणी एंड मैकेनिकल कैलकुलेशन। व्यवहारिक रूप से हस्त सारणियन का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब अनुसंधान कार्य कम साधनों के अंतर्गत वैयक्तिक आधार पर किया जा सके। उत्तरदाताओं की संख्या सीमित हो, उत्तरदाताओं की संख्या आंकड़े और बहुत अधिक होते हैं तो यांत्रिक सारणियन करना तुलनात्मक रूप से अधिक उपयोगी रहता है। यांत्रिक सारणियन के लिए जिन प्रमुख क्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। नंबर वन है संकेतन कोडिंग, नंबर टू है संकेतांकों का कार्डों पर उल्लेख ट्रांसक्रिप्शन, नेक्स्ट है परीक्षण वेरिफिकेशन एंड नेक्स्ट कार्डों का छाटना शॉर्टिंग सारणी एंड टैबुलेशन। ओके, अब नेक्स्ट है सारणियों के प्रकार टाइप्स ऑफ टेबल्स। सारणी को दो आधारों पर बांटा गया है, टाइप्स ऑफ टेबल्स। नंबर एक उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी जनरल पर्पस टेबल, सेकंड होती है विशेष उद्देश्य वाली सारणी स्पेशल पर्पस टेबल। ओके, अब है रचना के आधार पर ऑन द बेसिक कंस्ट्रक्शन, सरल सारणी सिंपल टेबल्स, द्विपक्षीय सारणी टू वे टेबल एंड थर्ड त्रिपक्षीय सारणी थ्री वे टेबल एंड फोर्थ बहुपक्षीय सारणी मैनिफोल्ड टेबल। ओके, अब है सारणी का महत्व जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टैबुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।